हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रणवीर सिंह है और ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्लास बी नेटवर्क में सबनेटिंग कैसे पॉसिबल है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास ए नेटवर्क में कैसे सबनेटिंग पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्लास बी में सबनेटिंग कैसे होती है। जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले बताया था, जो मेरे पास क्लास बी होती है उसमें हमारे पास दो होस्ट बिट्स होती है और दो नेटवर्क बिट्स होती है। जो मेरी क्लास बी की रेंज होती है वो होती है फ्रॉम 128 टू 191। यानी कि अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो मैं कोई आईपी ले लेता हूं, फॉर सपोज क्लास बी कर लेता हूं 130.1.0.0। अब इसमें क्या है, जो मेरे पास ये दो फर्स्ट दो बिट्स होंगी ये होती है मेरी नेटवर्क बिट्स और जो रिमेनिंग मेरी लास्ट की टू होती है ये होती है मेरी होस्ट बिट्स। यानी कि जो भी सिस्टम्स इसमें जुड़ेंगे वो होंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ये चेंज हुई दैट मींस कि आपकी नेटवर्क आईडी ही बदल गई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंजेस होंगे सिस्टम्स में आईपी में जुड़ेंगे वो सिर्फ यहां पे होंगे। और अगर क्लास बी को मैं बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, यानी कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में फॉर्म करूं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे कि जो फर्स्ट टू बिट्स है वो होती है ऑन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो रिमेनिंग की टू है वो ऑफ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ आती है वो उसको इस तरह से नहीं, वो इसको इस तरह से देख रहा होता है। अब इसमें सबनेटिंग करते हैं। अब मैंने इसको डिवाइड करना है, फॉर सपोज कि मैं इसको 10 नेटवर्क्स में डिवाइड करना चाहता हूं। ठीक है, आप जितने मर्जी नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। मैं इसको डिवाइड करता हूं अप टू 10 नेटवर्क्स पे। यानी कि मेरे पास जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले, वो मेरे पास क्या था, 2 to the power n minus 2 greater than equal to number of networks। और यहां पे मैंने नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनाए, 10। मैं इसको सर्कल ऑफ कर देता था, अभी आपको पता लगते रहे कि मैं यहाँ पे 10 नेटवर्क्स में बना रहा हूं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो चलो करते हैं आगे गाइस। 2 to the power n minus 2 इसलिए क्योंकि हम 0 और 255 आईपी एड्रेसेस का यूज नहीं कर सकते, और ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो है मेरे पास 10। अब n की वैल्यू मैं ऐसे डालता हूं कुछ कि वो जो वैल्यू निकले वो मेरी ग्रेटर देन हो फ्रॉम 10 या फिर उसके बराबर ही आता है। तो 2 to the power 3 डालता हूं तो मेरे पास आता है ये 8 minus 2 greater than equal to 10, यानी कि 6 greater than equal to 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं 4 डाल के देखता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 2 to the power 4 minus 2 greater than equal to 10, यानी कि अब मेरे पास क्या आता है, 16 minus 2 greater than equal to 10। अगर 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें दैट मींस 16, और भी इसकी वैल्यू क्या आती है, 14 greater than equal to 10। यानी कि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कोई मेरी ये ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू है, दैट मींस कि मुझे मेरा n मिल गया जो कि है 4। n है मेरा 4। अब जो ये मेरा n है, आपने यहां पे क्या चेंजेस करने हैं, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मैं अभी इसे नेटवर्क में डिवाइड करने वाला हूं, इसलिए जो भी मेरा चेंज होगा वो नेटवर्क बिट्स में यहां से होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखना हमेशा ऑलवेज, कंप्यूटर जुड़ेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट या नेटवर्क एक्सपैंड होगा वो होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मैं इसे एक्सपैंड कैसे करूंगा, जो मेरी n की वैल्यूज 4 आई है मैं यहाँ पे वो 4 बिट्स को ऑन कर दूंगा, यानी कि इसे एज इट इज लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे फर्स्ट 4 बिट्स को मैं ऑन कर देता हूं, 1 2 3 4, और रिमेनिंग जो 4 है उनको 0। ये मेरे पास टोटल 8 बिट्स होती है और ये इसको तो ये मेरे 0 ही रहेगा। अब अगर मैं इसे देखूं कैलकुलेट करूं, तो अगर पहले आप इसको देखो तो इसका सबनेट मास्क क्या है मेरा ऊपर वाले का, बाई डिफॉल्ट क्लास बी का ऑलवेज यही होगा 255.255.0.0। लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट सबनेटिंग करी है उसमें मेरे पास यहाँ पे मैंने चेंजेस करी है, तो आपने ये भी कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करना था, ये मैंने आपको बताया था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सबसे पहले 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 2 to the power 5 2 to the power 6 और 2 to the power of 7। अब इन्हें कैलकुलेट करें आप, तो आपके पास आएगा ये मेरे पास फर्स्ट फुल है यानी कि 255, दूसरी भी मेरी फुल है यानी कि 255। अगर ये मेरी पूरी बिट्स ऑन है
सारी की सारी ऑन है और इनका अगर आप सम करो यानी कि 2 टू पावर 0 से लेके 2 टू पावर 7 तक का सम करो तो आपके पास टोटल सम आता है जो होता है 255। लेकिन अब मैंने यहां पे 4 ऑन कर रखी है तो इनका मैं सम करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले फ्रॉम राइट से आता है 2 टू पावर 4, 2 टू पावर मेरा 4 होता है 16, 2 टू पावर 5 यानी कि प्लस 32, 2 टू पावर 6 यानी कि प्लस 64, 2 टू पावर 7 यानी कि प्लस 128। अब इसे आप मैं सम करता हूं तो मेरे पास सम कितना आता है, 128 प्लस 32 यानी कि 160 प्लस 80 यानी कि 240। अब मैं जो मेरे पास सम आया उसे मैं यहां पे लिख देता हूं, नोट डाउन कर देता हूं। अब मेरे पास जो होगा वो है 240.0 यानी कि जो मेरा सबनेटेड नेटवर्क सबनेट मास्क है, सबनेट होने के बाद जो मेरा सबनेट मास्क है वो ऑलवेज यही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। 255.255.240.0 ये फॉर क्लास 10 नेटवर्क्स के लिए। अब देखो आपके पास जो ये 240 सम अप आया है इसको आपने माइनस करना है 256 के लिए, 256 में से अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो मेरे पास जो आता है 16 वैल्यू। ये जो आपकी वैल्यू होती है दिस वैल्यू वी कॉल्ड एज मैजिक नंबर और मैजिक वैल्यू, मैजिक नंबर और वैल्यू। अब जो मेरा नेटवर्क बनेगा वो होगा डिपेंडेंट ऑन दिस, यानी कि जो मेरा पहला नेटवर्क बनेगा वो होगा 130, मैं यहां पे लिख देता हूं, पहला नेटवर्क होगा मेरा 130.1.16.0। ये मेरा 16 कहां से आया, जो मेरे पास मैजिक वैल्यू निकली वो। और इनका सबनेट मास्क क्या होगा, पहले तो बाय डिफॉल्ट इसका ये था 255.255.0.0 लेकिन सबनेटिंग हुई है इसलिए अब मेरा जो सबनेट मास्क अलोंग विद चलेगा वो होगा ये 255.255.240.0। अब मेरा नेक्स्ट नेटवर्क क्या होगा, 130.1. सिर्फ और सिर्फ आपने ये 16 इसमें ऐड कर देना यानी कि 32.0। थर्ड क्या होगा मेरे पास, 130.1.48.0। फोर्थ 130.1.60.0। फिफ्थ 130.1.90.60.64 ये 64 आएगा यहां पे, मैंने 60 लिख दिया। अब मैं इसमें दोबारा 16 ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आया 130.1.64 + 16 80.0। अब मेरा जो 6 नेटवर्क आएगा वो होगा 130.1.96.0। सेवेंथ होगा मेरे पास 130.1.96 में इसमें ऐड करता तो 122.0। उसके बाद दोबारा इसमें मैं 16 ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 112 होगा। आप इसमें दोबारा ऐड करता हूं तो 130.1.16 ऐड करेंगे 128.0। और नाइन्थ नेटवर्क जो मेरा होगा वो होगा 130.1. यहां पे मैं इसको क्लियरली लिख देता हूं 112। और अब मैं इसको ऐड करता हूं 16 ऐड यानी कि 142। 16 ऐड करने पे इतना आ रहा है 4144.0। और जो मेरा 10th नेटवर्क बनेगा वो होगा 130.1.160.0। थोड़ी सी यहां पे गाइस एडिशन सबट्रैक्शन में थोड़ा एरर है लेकिन ये नेटवर्क्स जो होंगे वो एज इट इज सेम ही होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको 16 प्लस 16 प्लस 16 आगे ऐसे ही फॉरवर्ड करना। तो यानी कि मेरे पास जो अगर मैं इस क्लास बी को डिवाइड किया मैंने 10 नेटवर्क्स में तो मेरे पास जो आया वो है फर्स्ट 130.1.16.0, सेकंड 130.1.32, अगेन ऐसे 32 ऐड करते करते अप टू 160 तक। अब इसमें अगर मैं आईपी लाइन असाइनमेंट करूं तो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा, कहां तक होगा। सबसे पहले जरा टॉप मोस्ट से ले चलते हैं, अगर मैं ये नेटवर्क यूज कर रहा हूं और मैंने नीचे सिस्टम जोड़ने हैं तो मेरा फर्स्ट आईपी इस नेटवर्क का होगा 130.1.16.1। ये मेरा नेटवर्क है और ये मेरा फर्स्ट यूजेबल आईपी है।
अब अगर मैं इसमें लास्ट आईपी करना चाहता हूं तो मेरे पास होगा 130.1.31.255। अब ये कैसे आया गाइस, मेरे पास लास्ट विजिबल आईपी यहां तक क्यों रुक गया? अगर मैं इसके आगे कंप्यूटर ऐड करता हूं तो मेरे पास वो चला जाता है 130.1.32.1 पे। मैं यहां पे जीरो यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कभी भी जीरो आईपी और 255 आईपी हम मैनुअली अलॉट नहीं कर सकते। जो ये आईपी होगा ये सिस्टम रिजर्व आईपी होगा, ठीक है गाइस। और अगर मैं ये आईपी का यूज करता हूं तो मैं वो दूसरे नेटवर्क में आ जाऊंगा, इसलिए कि मेरे पास जो क्लास ये नेटवर्क है यानी कि 130.1.16.0 वाला, उसमें मैक्सिमम मैं 16.1 से लेके 31.25 तक इसमें निकालना है कि हमारे कितने कंप्यूटर जोड़ सकते हैं हम फ्रॉम वन नेटवर्क टू सेकंड तक। तो इसमें आपने कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, 16 टू 32 में यूजेबल हमारे पास 16 31 यानी कि अप टू 15, और दूसरी साइड हम कितना यूज कर सकते हैं 256 - 2। अगर हम इन्हें सम करें तो हमारे पास नंबर ऑफ आईपीज होंगे यानी कि नंबर ऑफ सिस्टम्स होंगे जो हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस आप समझ गए होंगे क्लास बी में कैसे सबनेटिंग करते हैं, कैसे इजीली हम सबनेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ, इस मेथड के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।